हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, जनरल साइंस दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अब रेलवे दूर नहीं। और आज हमारा न्यू टॉपिक है एवरेज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ। और मैं कल आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा मंडे को, क्योंकि कल हमारा क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, एक आपका टेस्ट लूंगा जिसमें आपके प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, मैं हमेशा फ्राइडे को आपके लिए एक टेस्ट लेता हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट होगा कल आने वाले दिन में, जिसमें जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। आपके लिए भी अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये क्लियर है, इसमें से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, संभावित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कल क्लास लेना ना भूलना। और आज हम औसत पढ़ेंगे, फिर मंडे को इसको कंटिन्यू रखेंगे, शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत बेहतर लगेगा। क्लियर है, चलेगा। तो सब लोग जुड़ जाएं, गुड मॉर्निंग सबको, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें। और मुस्कुराते हुए चैप्टर को पढ़ना है, पहले ही बोल देता हूँ, हंसते हुए पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। एक एक ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको कुछ नई लगेगी, हमेशा कुछ सीखने के लिए। क्लियर है, चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आप सब जानते होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो एवरेज क्या होता है नहीं जानता। एवरेज औसत बराबर क्या होता है, औसत हमारा जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी मतलब राशियों का योग, राशियों का योग और अपॉन राशियों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी। बात समझ लो, इस पूरे एक छोटे से फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। तो तरीके से समझोगे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, राशियों का योग और राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब ये क्या फॉर्मूला है पहले ध्यान से समझ लो, इसी में ही पूरा चैप्टर खत्म है, ये पहले ही बता देता हूं। लेकिन कैसे मॉडिफिकेशन हुआ इस चैप्टर का, कैसे इसके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। वो चीज ज्यादा फोकस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस हम और भी करेंगे जो आपने पढ़ रखा है, उनके अलावा जो मेन चीज जो आपको पढ़नी चाहिए जो छोड़ देते हो वो सबसे पहले करेंगे। क्लियर है, चलिएगा। सब लोग जुड़ गए हैं, हाँ। तो औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी, जो भी राशियां हैं उनका योग करना है और कितनी राशियां हैं उनका भाग देना है। क्लियर है, जैसे कि आपसे मैं ये कह दूं आपके परिवार की इनकम कितनी है, आपके परिवार मान लीजिए, आपके कुछ भी मान लीजिए, आपके परिवार की इनकम है 500 रुपए, आपके परिवार टोटल जो फैमिली है, टोटल जो फैमिली है उसकी इनकम कितनी है 500 रुपए। क्लियर है, और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, मैं मान लेता हूं 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। क्लियर, आपके परिवार में 10 मेंबर हैं तो आपका एवरेज, एवरेज इनकम कितना हो जाएगा परिवार का, एवरेज इनकम कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो कि परिवार की इनकम टोटल इनकम कितनी है 500 रुपए, तो इनकम का योग सम ऑफ क्वांटिटी 500 और कितने सदस्य हैं, नंबर कितने हैं 10, 10 सदस्य हैं, तो इस तरीके से जो आपका आएगा कि 50 रुपए एवरेज हो गया हर बंदे का, 50 रुपए एवरेज हर बंदे का हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका बराबर होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है किसी का 78 हो, किसी का 22 हो, उस तरीके से टोटल 500 है, लेकिन एवरेज पूछा जाएगा तो आप 50 रुपए बोलोगे। एवरेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि 50 रुपए है। अब इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो सारा खेल किसका है, आपको सम पता होना चाहिए और वो नंबर पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स हैं, है ना। तो एक और ले लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद हम चीजें करेंगे, नंबर्स पे खेलेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें पहली पारी में दूसरी पारी में, ये आपकी इनिंग्स हैं क्रिकेट मैच में, ठीक है। एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें पहली पारी में एक बल्लेबाज ने 35 रन बनाए, कितने रन बनाए 35 रन, और दूसरे में बनाए 45 रन,
और तीसरे में बनाए आपके 37 रन, ठीक है, तीसरे में बनाए आपके 37 रन। तो आपसे बोला जाए कि हर पारी का एवरेज क्या है, मतलब एवरेज रन कितने हैं। इस खिलाड़ी के एक क्रिकेट मैच में तीन पारियां हो रही हैं, पहली पारी में 35, दूसरी पारी में 45 और तीसरी पारी में 37 रन बनाए हैं, तो मैं पूछूं औसत रन कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर सभी रनों का योग बटे तीन कर दो। तो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से सब लोग आंसर बताओ, बढ़िया बढ़िया से जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। हाँ, ऑल नंबर का सम होता है, सम का याद रखना मतलब योग करना है, तो सबका योग करो और कितनी पारियां हैं, 1, 2, 3 पारियां हैं, तो आंसर आ गया मेरा 39। देखिए, जी हाँ, आंसर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 और 5 50 और 30 80, 80 और 30 117 बटे 3, तो 39 रन पर इनिंग आपका एवरेज आ गया। ये आपका क्या है, एवरेज हो गया। क्लियर है यहां तक, एवरेज का कंसेप्ट समझ में आया कि क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह देता हूं, देखो तरीका देखना, ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, तरीका देखते रहो, मजा आएगा देखना, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास कोई संख्याएं हैं, आपके पास कुछ संख्याएं हैं, मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये संख्या लिख दी मैंने। अब इन संख्याओं का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, है ना, और 7 का भाग दे दोगे। मैं कहता हूं कि एवरेज की एक और परिभाषा होती है, एवरेज की एक और परिभाषा होती है, जल्दी से इसका तो आंसर आप दो, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, सभी संख्याओं का क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, इनका सम करोगे, है ना, और डिवाइडेड बाई 7 करोगे, यही तो करने वाले हो। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, एवरेज क्या होता है, माध्य, एवरेज क्या होता है, बीच का ऐसा कोई नंबर जो सब में कॉमन हो, सबका एवरेज हो, क्या होगा, माध्य होता है, एवरेज को माध्य भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं यहां से चला 3 और मैं यहां से चला 3, तो बीच में कौन सा नंबर आया, 5, यही मेरा एवरेज है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, अब यहां पे नंबर कितने थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7 थे ना, तो 7 में 3 इधर चला, मैं 3 इधर चला, जो बीच वाला है वही आपका एवरेज होगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं आपको एवरेज निकालने का, देखना, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, है ना, फिर मजा आएगा आपको, ठीक है, चलिएगा। तो मैं अभी आपको बताता हूं इस तरीके से आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जैसे मैं ले लेता हूं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ले लेता हूं 25, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, जल्दी से तुरंत निकालना है, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, सेकंडों में, ना तो जोड़ना है और ना ही आपको डिवाइड करना है, सीधा आंसर देना है, एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा, सीधा आंसर देना है, इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा। अगर ऐसे आ जाएं कि 18 से 25 तक क्रमागत संख्याओं का, कंसेक्यूटिव नंबर का आपको औसत निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मैं चला 1, 2, 3, 4, यहां से चला 1, 2, 3, 4, तो 4 में यहां से चला, 4 में यहां से चला और बीच में जो आएगा 21.5, यही मेरा एवरेज होगा। क्लियर है, तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा, 21.5। चीजें समझ में आई कि आपको बीच में जो नंबर आएगा, इतना उधर से चलने पर, इतना ही उधर से चलने पर, वही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सब बताएं कि यस सर, क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक की उम्मीद करता हूं, सब एक साथ लाइक करें और बहुत मजा आएगा। ये तो शुरुआत है, बड़े बड़े क्वेश्चन आप कैसे करोगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलना चाहता हूं। तो ये x x+1 वाला क्वेश्चन लगा दिया जाए, एक क्वेश्चन है x x+1 वाला, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर आपका तुरंत आना चाहिए, तुरंत आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखो देखो देखो, अभी इस क्वेश्चन को करोगे तब समझ में आएगा। देखो सब, 5 आपके पास ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जिनमें आपको दे रखा है x x+2 x+4 x+6 और x+8, इनका औसत कितना दे रखा है आपको, 11 दे रखा है, यही दे रखा है ना, कि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके सामने, इनका औसत आपको 11 दे रखा है, तो अंतिम 3
अवलोकनों का औसत निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे करते पता है आप लोग? सबका सम करते, डिवाइड करते, एक्स का मान निकालते, फिर अंतिम तीन का निकालते, फिर डिवाइड करते, ऐसे करते। लेकिन हम कैसे करेंगे? दो यहां से चला, मैं दो यहां से चला, बीच वाला ही तो मेरा औसत होगा। तो एक्स प्लस चार बराबर मैंने कर दिया 11, तो एक्स बराबर मेरा आ गया 7। एक्स बराबर 7 आ गया। अंतिम तीन अवलोकन ये है, तीन है, एक इधर से चला, एक इधर से चला, इनका औसत क्या होगा? x प्लस 6 होगा। और x बराबर कितना है? 7। तो 7 और 6 मेरा आंसर आ जाएगा 13। कितना आंसर आ जाएगा? 13 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में तो जल्दी से बताएं, क्लियर हुआ है तो जल्दी से बताएं। बहुत शानदार क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ता? सबको जोड़ते, सबको फिर दोबारा जोड़ के एक्स निकालते, फिर इन तीनों को जोड़ते, फिर तीन का डिवाइड करते, फिर एक्स का मान रखते। भाई कितनी माथापच्ची करनी पड़ती। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया है सुपर है। क्लियर है ना भाई? सीधी सी बात है, जब 5 थे तो बीच वाला इनका औसत हो गया, जब 3 थे तो ये बीच वाला इनका औसत हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, गॉट इट? हाँ, जिनको नहीं हुआ मैं दोबारा बताता हूं। देखो, आपको मैंने क्या बोला था कि आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं वो क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत मतलब लगातार, एक्स आया, फिर दो का अंतर, फिर दो का अंतर, फिर दो का अंतर। ये है 5 आपके पास अवलोकन दे रखे थे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 अवलोकन दे रखे थे। हमारे पास औसत माध्य भी होता है, मतलब इन अवलोकनों के बीच का वो आपका औसत होगा। तो 2 मैं यहां से चला और 2 मैं यहां से चला, तो ये बीच की जो संख्या है मेरी वही तो मेरा औसत है। और उसने औसत कितना दे रखा है? 11। तो पहले 5 अवलोकनों का औसत मैंने 11 कर दिया। क्लियर है? तो एक्स बराबर मेरा 7 आ गया निकल के। अब बोला है उसने अंतिम तीन का करो। अंतिम तीन मतलब ये वाले तीन, इस वाले तीन का, ये हो जाएगा औसत। तो x प्लस 6 हमारा एवरेज होगा, और x बराबर 7 निकाला था तो 13 आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ, चलिएगा। चलो अब देखो, चीजें बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए। अब मैं आपके अगले चीजों पर चलना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा थर्ड क्वेश्चन भी लगा दें, जिसका तुरंत आंसर आप दे देंगे। थर्ड क्वेश्चन भी आप लगा दें, ठीक है? चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर दे दो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, फिर आगे भी बढ़ना है, ठीक है? हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फिर मैं बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो जरूरी हैं आपके लिए सीखना। सीखोगे तब सारे क्वेश्चन यूं ही कर जाओगे। ट्रिक भी सीखो, बेसिक भी सीखो, मेरा उद्देश्य यह है कि कुछ भी ना छूटना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ लाइक करते रहेंगे आप सब लोग। 2254 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, और जुड़े रहो, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। आंसर आ चुका है मेरे पास 25.5, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या करना होता है? 50 तक की, शुरू से लेके 50 तक की, यही बोला है ना, पहले 50 की। तो मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है और 50 तक गया है। 1 से 50 तक की संख्याओं का निकालना है आपको एवरेज। तो सीधा आप निकाल सकते हैं 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 25.5। और ये कैसे आया सर? हमें तो ये समझ में नहीं आता, मैं बताऊंगा अभी, मैं इस पे चलने वाला हूं आगे, है ना? इसी पे चलने वाला हूं। तरीका देखो कैसे आया, देखना तरीका कैसे आया। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे 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 चल के 50 तक पहुंच गया, है ना, तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप 1 से 25 तक चलोगे। भाई 1 से 25 तक चलेंगे, यहां से आप क्या चलोगे? 25 से 26 तक चलोगे। लेकिन 25 और 26 के बीच में जो दरार आएगी वो क्या होगी? 25.5 होगी। वही आपका आंसर है, दिमाग से करना है, वही बीच में। तो 50 और 1 को जोड़ो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया दोस्तों? चलिएगा, अब चलता हूं मैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए, ये फॉर्मूला सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, और यही से ही आपके क्वेश्चन होंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपको अब कंसेप्ट लिख लो फटाफट से। कंसेप्ट लिखा रहा हूं, पहला कंसेप्ट कॉपी में लिखो कि अगर आपको निकालना हो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर आपको निकालना हो कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का
औसत निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट इसका होता है और मैं बताऊंगा कैसे आया, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप सीधा लगा सकते हैं n प्लस 1 बाई 2, जो कि अभी क्वेश्चन किया था आपने, वही तो किया था, 50 प्लस 1 बटे 2, 51 बटे 2, 25.5, क्लियर है? वही किया था ना आपने, हाँ, तो इसका डायरेक्ट होता है ना? अब कैसे आया सर ये, देखो मैं बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी, राशियों का योग। तो मैं ये कह दूं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, अगर मैं बोलूं कि इन सबका एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले योग पता होना चाहिए। मुझे पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही मेरा योग होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n इंटू एन प्लस बाई 2, और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, n ही तो है। तो हमने जब एवरेज निकाला तो योग, योग कितना है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और अपॉन एन कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ, ये भी तो आएगा राशियों की संख्या, तो आपका एन से एन कट जाएगा और आपका आंसर आ जाता है एन प्लस 1 बाई 2। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है? ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो देखना, ये तो शुरुआत है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाना सब कुछ है, आप समझते रहो और पढ़ते रहो, अच्छा लगेगा, लाइक करते रहना। अब इस पे दो एग्जांपल कर लेते हैं जिसका आंसर आप दो सेकंड में दे दोगे, दो सेकंड। चलिए क्या कहता हूं, 1 से 25 तक निकालो, 1 to 25 का एवरेज निकालो जल्दी से, 1 to 25 तक की नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो जल्दी से, दो सेकंड में निकालो गाइस, जल्दी से निकालो, और उसका तरीका भी सीखेंगे कि कैसे आया है ना, दोनों चीजें सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे, है ना? जल्दी से निकालो दोस्तों, है ना? अब मैं आपके सामने अगला भी कंसेप्ट लेके चलूंगा, आंसर सबका आना चाहिए, आंसर सबका आना चाहिए, बिल्कुल 13 आंसर आ जाएगा इसका, आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कैसे आया सर, कैसे आया? एक तो तरीका ये है, एन प्लस 1, तो आपका एन कितना है, 25 है भाई, 1 से लेके 25 तक 25 ही होते हैं, पद निकालने हो, कितने पद हैं, तो एक तरीका और है, आपको जिंदगी भर याद रहना चाहिए वो तरीका, हमेशा पद निकलता है 25, यहां तो देखो सीधा पता लग गया, 1 से 25 तक 25 है, मैं बोलूं कि आपका 6 से 45 तक कितने पद हैं, बताओ, बहुत खतरनाक चीज हो जाती है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल सटीक चीज बता रहा हूं कि हमें अगर n निकालना हो ना कि कितने नंबर होंगे, तो मुझे आंसर बताओ फटाफट से, तरीका फिर मैं बताऊंगा आपको, तो जल्दी से बताओ आप, ठीक है, कि इसमें n बराबर कितना होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़नी है, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए यहां पे हूं आपके लिए, ठीक है? तो जुड़े रहो बस आप, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, यहां से तो आपका आ जाएगा 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 13, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है? इसको मैं ट्रिक से भी बताने वाला हूं कि ट्रिक क्या लगेगी इसमें, है ना? इसका आंसर आया मेरे पास, इसका बताओ इसका क्या आएगा, देखो गलतियां हो जाती हैं, देखते हैं। तो n का मान कितना आएगा, 45 माइनस 6 प्लस 1 तो आपको करना ही है, प्लस 1 आपको करना है, जैसे इसमें हुआ है 25 माइनस 1, प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 से प्लस 1 चला जाएगा, n का मान आ जाएगा 25, और इसी तरीके से इसमें होता है, ये 1 से स्टार्ट थोड़ी ना है, तो आपको क्या करना है, 45 में से 6 तो घटाओगे ही घटाओगे, प्लस 1 और करना है, ये आपके n पद हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के साथ में, ठीक है? चलिएगा, क्लियर हो रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है? तो यहां से आपका क्या आंसर आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 40 पद हैं इसके अंदर, बहुत शानदार चीज है, जब आगे क्वेश्चन बताऊंगा तब पता लगेगा, मजा आ रहा है तो उम्मीद करता हूं कि सब एक साथ लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं जो छोड़ देते हैं हम, कभी समझते नहीं है उन चीजों को, है ना? ये यहां तक क्लियर हुआ। अब ट्रिक की बात कर लेता हूं कि 13 कैसे आएगा सर, 13 कैसे आएगा, 13 ऐसे आएगा दोस्तों कि 1 से 25 तक चलना है, तो मैंने कहा कि मैं 1 से चला 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे मुझे 25 तक चलना था, तो मैं कहता हूं कि मैं पहले 1 से 12 चला, और इसने क्या बोला, 25 से 12 मैं चल गया, और 12 और 13 के बीच में, 12 और उसके बीच में कितना आएगा, 12 और 14 के बीच में 13 आ जाएगा, तो 13 आपका एवरेज हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो पन्ने पे लिखो 25 तक संख्या और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है? चलिएगा, चलता हूं मैं अब अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, लिखते रहना और जुड़े रहना। चलिए, कोई कहीं ना जाओ, बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं, पानी पी लेंगे अभी, इस चीज को बता देता हूं, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको निकालना हो
सम ऑफ कंसेक्यूटिव औसत निकलवाते हैं, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर फ्रॉम ए टू बी, मतलब कहीं से कहीं तक, एक से स्टार्ट नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, ए से बी तक क्रमागत संख्या का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताता हूं। ए से बी तक, अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि 8 से 27 तक क्रमागत संख्याओं का औसत निकालो, कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालो, क्रमागत नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, जल्दी से आंसर दो अगर किसी को आता है, नहीं तो तरीका मैं बताने वाला हूं, तरीका मैं बताऊंगा और वही तरीका होगा जो आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, क्लियर है। हाँ, ये देखो, ए से बी तक क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना है, जल्दी से निकालो, कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें इसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, 27 और 8 35 बटे 2 मतलब 17.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 17.5 होगा। कैसे आया मैं बताता हूँ, सारी चीज़ बताऊँगा, एवरेज क्या होता है, ये तो आपकी हो गई ट्रिक, आप डायरेक्ट करिए आपसे पूछा जाए तो, है ना। मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच में पहले n निकालो, क्योंकि आपका जो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी, पहले नंबर तो निकालो इन दोनों के बीच में कितने पद हैं, ये तो आपकी ट्रिक से आंसर आ गया, पहले नंबर निकालो, बेसिक भी बता रहा हूं, जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ कि इसके भी इन दोनों के बीच में नंबर कितने आएंगे, तो मैं ये कह दूं 27 में से 8 घटा दो प्लस 1 कर दो तो n बराबर आ जाएगा आपका 20, n बराबर आ गया 20, अब नंबर आपके 20 आ गए, है ना। और योग कितना होता है, अगर क्रमागत संख्याओं का आपको योग निकालना है तो आप जानते हैं योग का क्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या पता है, आखिरी संख्या पता है, ये आपका a होता है, ये आपका l होता है, तो आपने पढ़ा होगा n by 2 a plus l, मतलब जब हम किसी भी संख्या का समान, मतलब क्रमागत संख्याओं का जब हम योग निकालते हैं और हमें पहली संख्या और आखिरी संख्या पता होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। और n आपका कितना है, 20 है, तो मैं ये कह दूं n से तो आपका n कट जाएगा जब आप एवरेज निकालोगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, यही तो वो फॉर्मूला है, कुछ भी ट्रिक नहीं है ना, आपका n से तो n कट गया, आपका n से तो n वहीं कट गया क्योंकि उसका काम ही नहीं था, क्योंकि हमें पता है नंबर्स तो हमारे कट जाते हैं, लेकिन समझ में आया कि जो लोग ट्रिक कहते हैं वो एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ हमारा सेंस है, हम उसको डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है, ये आया कैसे ये जरूरी नहीं है, सीखो कि कैसे आया है, मेरा उद्देश्य जो है उसको अगर पूरा करना है, रेलवे की नौकरी पानी है ना दोस्तों, तो भाई पढ़ लो एक बार, जिंदगी में ऐसा ना हो कि दोबारा पढ़ना पड़ जाए, एक बार ऐसा पढ़ो कि कभी पढ़ना ना पड़े, क्लियर है। चलिएगा, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें और मजे करें, ठीक है, चलिए समझ में आ गई चीज, क्लियर हो गया सब कुछ, अब मैं अगले कंसेप्ट की तरफ चलूं, चलिएगा अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, ठीक है, इतने आप इसको, इसका भी आंसर दे दो यार, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इनका एवरेज कितना होगा, ट्रिक से देना 2 सेकंड में, जोड़ना और ये करना नहीं है कि आप इनको जोड़ रहे हो फिर डिवाइडेड दे रहे हो, जो नए यूजर हैं उनको बता रहा हूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है डेली 11 बजे क्लास होती है, कल आपका मैं टेस्ट लूंगा, मंडे को फिर से, सोमवार से शुक्रवार क्लास होती है, लगातार आपको कोचिंग की तरह पढ़ना है तो आपको एनर्जी से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है जी। हाँ, ओके, तो सीधी सी बात है, इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से दे दो। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ नए यूजर जुड़े हैं उनको भी बता देता हूं कि हमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती एवरेज का क्वेश्चन, हमें दिमाग से काम लेना है कि एवरेज में सम और नंबर ऑफ क्वांटिटी करने से एवरेज नहीं आएगा, इसमें हम देखो यहां से चलूंगा 3, यहां से चलूंगा 3, बीच वाला जो दरार है वही हमारा आंसर है, तो 104, 103 और 104 के बीच में क्या आएगा, 103.5, क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और डेली क्लास अटेंड करें, एंजॉय करोगे, देखिए एग्जाम पास आ रहा है,
आप कुछ भी मान लो, डरने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से सब कुछ होगा। एग्जाम पास आ रहा है लगातार, तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगला दे रहा हूं मैं, अगला कंसेप्ट है कि प्रथम एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम एन लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है, क्या निकालना है? सम संख्याओं का औसत निकालना है। देखो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, बस दिमाग लगाना है आपको। लगातार n सम संख्याओं का औसत, मैं कहूं कि आठ लगातार सम संख्याओं का औसत निकालो, सम संख्याओं का एवरेज निकालो दोस्तों, आठ लगातार, दोनों में अंतर है। और मैं ये बोलूं आठ तक सम संख्याओं का एवरेज निकालो, दोनों में अंतर समझ लोगे तो चीजें समझ आ दूंगा आपको, ठीक है? का एवरेज मतलब टिल एट और अप टू एट लिख देता हूं, अप टू एट, आठ तक, ठीक है, अप टू एट, और यहां है एट कंजिक्यूटिव। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ मेरे को, दोनों में अंतर बता दो पहले। दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया दोस्तों कि आठ लगातार का मतलब सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 16, ये मेरी आठ लगातार सम संख्याएं हैं। मैं बोलूंगा आठ तक, तो मतलब 2, 4, 6, 8। यहां तक समझ में आया चीज? यहां तक समझ में आ गई चीज? क्लियर हो रही है? ये मेरे सामने दोनों चीजों का अंतर समझ लो पहले आप, क्योंकि नहीं समझोगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। अब तरीका समझो बस, मैंने क्या बोला आपसे कि आठ लगातार कंजुगेटिव इवन नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, मैं तरीका बताने वाला हूं। इससे पहले कि आपको मैं डायरेक्ट बताऊं, तरीका समझ लो कि जितने लगातार वाला आ गया ना, लगातार मतलब कंजुगेटिव वाला केस आ गया, तो ये जो 8 है ना, ये 8 होता है अपना n, भाई n बराबर कितना है, 8 है, तो मैं ये कह दूंगा n प्लस 1 आपका डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा। n प्लस 1 कैसे हुआ बताने वाला हूं, n प्लस 1 डायरेक्ट एवरेज कैसे हो जाएगा और क्या ये सही है, तो देख लेते हैं। n बराबर क्या है, 8 है, तो मैं कह दूंगा इसका एवरेज 9 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कैसे? जब आपको पता है ये आपका 8 लगातार सम संख्याएं हैं, है ना, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो मैं यहां से चला, 4 यहां से चला मैं, और 4 मैं यहां से चला, तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है, 9 ही तो आता है। मुझे बताओ चीज समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले पिन करके बताओ सब लोग, अच्छा लग रहा है लाइक करते रहो, पहले ये बताओ कि समझ में आया नहीं आया, कि 9 कैसे आया, क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस दिमाग लगाया अपना कि जो मेरी लगातार वाली संख्या आ जाएंगी, अगर मेरी लगातार वाली संख्याएं आ गई कि 8 लगातार का मुझे निकालना है, मतलब 2 से स्टार्ट है, तो मुझे जो n है वो मेरा 8 ही रहेगा और n प्लस 1 मेरा आंसर आ जाएगा 9। क्लियर हो गया? 9.5 क्यों होगा, देखो 2, 4, 6, 8, 8 और 10 के बीच में ही तो हमारे 9 होता है ना? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टाइम एंड वर्क कब कराओगे, मेरे भाइयों आज 66 नंबर की क्लास है, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, लगभग सिलेबस एंड होने को है, बस एडवांस के कुछ टॉपिक बचे हैं, तो जितना बचा हुआ है वो पढ़ लो, फिर रिवीजन में कराऊंगा तब जुड़े रहना, क्लियर है? तो पहले इन चीजों को समझो आप, है ना। अगर इसकी बात करूं तो मैं इसका एवरेज कितना होगा, तो मैं ये कह दूं कि यहां से मैं चलूंगा और इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इनका एवरेज कितना हो गया, 5 हो गया। निकाल के देख लो, अगर हमने अप टू द 8 निकाला है, 8 तक निकाला है, तो हमें क्या लगाना है, और लगातार निकाला है तो हमें n प्लस 1 लगाना है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये इसमें भी n कितना है हमारा, 8 ही है, लेकिन हमें लगाना है इसमें n बाई टू प्लस वन, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 यहां पे है तो 8 बटे दो प्लस वन, तो यहां हमारा हो जाएगा 4 × 5, ये आपका आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका योग, ये तो आपका क्या है, सम है, ये तो आपका क्या है, योग है,
इन 8 तक की सम संख्याओं का योग ये है, और हमारी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो मैं इसमें 4 का भाग दे दूंगा, 4 का भाग दे दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, मेरा आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है, क्लियर हो रहा है भाई, बताते रहें, है ना, बहुत बढ़िया, चीजें समझ ली, ओके। देखिए देवराम गुजर पूछे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, देवराम आज में बिलीव करो, आज अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो अगले टॉपिक जो होगा वो आपके सामने होगा, अगर आप कंटिन्यूटी जुड़े रहोगे तो, ठीक है, चलेगा। ये चीजें समझ में आ गई, अब मैं आगे आपको और एग्जांपल कराता हूं इसके, जिससे कि दोबारा डाउट ना आए कभी जिंदगी में, ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल लेना, दिमाग से सेट हो जाएगा तो कभी डाउट नहीं आएगा, है ना। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो ही हो। क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 1 से 150 तक सभी इवन नंबर का सम निकालो, इवन नंबर का एवरेज निकालो 1 से 150 तक, 1 to 150 इवन नंबर का एवरेज निकालो जल्दी से दोस्तों, जल्दी से निकालो, तरीका मैं बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, जल्दी से आंसर दो सब लोग जो लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, दिलीप का सही है 76, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सबसे बड़ी बात है पहले ट्रिक सीखेंगे फिर बेसिक सीखेंगे कि क्या हुआ, 1 से 150 तक सभी इवन संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको डायरेक्ट लगाना है कि अंतिम संख्या कौन सी है, 150 है ना, और प्रारंभिक कौन सी रहेगी, इवन, 2 से ही तो स्टार्ट होगा मेरे दोस्तों। असली बात क्या है, असली बात ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो दिमाग लगाते हैं, एक तो इसने हमें फंसाने के लिए दिया है, एक कोई सम संख्या थोड़ी ना होती है, नहीं होती ना, हमें अगर जोड़ निकालना होगा, हमें अगर एवरेज निकालना होगा तो स्टार्ट तो हम 2 से ही करेंगे, असली में रियलिटी में तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे ना, और 150 तक चलेंगे क्योंकि 150 हमारा इवन है। तो मैं ये कह दूं कि हमें तो वैसे भी एक एक छोड़ना है क्योंकि 2 के बाद 3 हमारा विषम आ जाता है, और आ जाता है, फिर हमें 4 पे चलना है, तो आपके सामने यही तो हो गया, इन दोनों को जोड़ो, 150 प्लस 2 करो डिवाइडेड बाई 2 करो तो 152/2 करोगे तो 76 आ जाएगा। तो 76 आपका आंसर कैसे आया, समझ में आ गया। अब तरीका सीखो बेसिक, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट को बेसिक अच्छा लगता है तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है, समझो कि कैसे आता है। देखो ये क्लियर हो गया सबको, अब मैं बेसिक बता देता हूं। बेसिक क्या होता है, सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला अभी तक मिटाया नहीं है, क्यों, जिससे कि आपको एवरेज का मतलब पता रहे कि सम ऑफ क्वांटिटी, पहले मुझे 1 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है, तो मैं सम कैसे निकालूंगा, एन बता दो मेरे भाइयों, एन कितना होगा, कितने पद होंगे जल्दी से बताओ, 1 से 150 तक एन कितने होंगे सम संख्या, जल्दी से बताओ, अगर दिमाग लगाना है तो जल्दी से बताओ, कितने एन होंगे, ठीक है, 75 कोई 76 भाई 70, 1 से 150 तक एन कितने होंगे जल्दी से बताओ। सम आपको मैंने बताया था ना, अगर तक आ जाए तो सम कितना होता है, n बाई 2 इंटू एन बाई 2 प्लस 1, यही तो होता है सम, यही तो होता है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपसे तक आ जाए तक, तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है, और यहां पे n हमारा कितना होगा, 150 ही तो होगा, 1 से 150 तक 150 ही तो है, ठीक है, कुल नंबर 150 ही तो होंगे मेरे भाई, है ना, लेकिन असली में आप सही दे रहे हो, जिनका 75 है वो बिल्कुल सही है, वो 75 दे रहे हैं, वो उस हिसाब से दे रहे हैं, n by 2 के हिसाब से, मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं, 75 आपके इवन नंबर हो जाएंगे, 75 सही आएगा, 75 सही है, और आप जब 75 प्लस 1 करोगे तो ये 76 हो जाएगा, और सम और नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 75, n कितना हो जाएगा आपका, 75,
है ना, n कितना हो जाएगा 75, तो 75 का डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 76। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि टोटल नंबर 150 होंगे, इनमें सम संख्याएं कितनी होंगी भाई, अल्टरनेट चलता है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है हमें हमेशा। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले तो टोटल नंबर पूछा था 150 होंगे, और अगर सम संख्याएं पूछूं तो 75 होंगी, और विषम संख्याएं पूछूं तो ऑड नंबर कितने होंगे, 1 से 150 तक ऑड नंबर कितने होंगे, 75 होंगे। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? जी हाँ, जल्दी से बताते रहें, जल्दी से बताते रहें। तो आपका 76 आंसर आ गया ना, यहाँ से n बाई 2 से आपका n बाई 2 कट जाएगा, या फिर n रख लीजिए, बात वही है ना, चलेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप खुद देना, और तरीका बहुत शानदार है वही। 8 से 400 तक आ गया सभी सम संख्याओं का एवरेज निकालो, मतलब 8 to 400 ऑल इवन नंबर का एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर। चलिए निकाल लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, कोई कहीं ना जाए, और सीधी सी बात है, जुड़े रहो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, चलेगा। और अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहो, 2600-2700 लोग देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पा रहे हो। तो कुछ भी नहीं करना, तरीका क्या था, ये भी तो आपका क्या है, सम संख्या है, ये भी आपकी सम संख्या है, दोनों को जोड़ दो, 400 + 8 / 2, 408/2, 204 आपका आंसर आ जाएगा, 204। ये बात बहुत बढ़िया, देखिए सबका आंसर लगातार और वो भी सही आ रहा है, यही उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। मैंने n नहीं पूछा, जिन्होंने n निकाला है 196 वो बिल्कुल गलत है आपका। अगर मैं पूछूँ n कितना आएगा तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो, कैसे निकालोगे, 400 में से जब 8 घटाओगे और डिवाइडेड बाई 2 करोगे प्लस 1 करोगे, ये आपका n होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 392/2 प्लस 1, तो 196 प्लस 1 मतलब 197 होगा। n निकालना है, कितने पद होंगे भाई, पद हम निकाल लेते, वैसे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको सोचना चाहो भाई, मैथ कर रहे हो तो पूरा सोच के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? हाँ, तो नंबर कितने आ जाएंगे, 197 आपके नंबर आ जाएंगे, क्लियर है, चलेगा। अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आप सबको बेहतर समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आंसर देना सब। 1 to 63 इवन नंबर का एवरेज निकालना है, 1 to 63 का, ये जल्दी से आंसर दे दो, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूं। वन टू सिक्सटी थ्री इवन नंबर का निकालो, तो आपको पता है 2 से स्टार्ट होगा, और क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर, 2 से स्टार्ट होगा, 62 पे खत्म होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 62 पे खत्म होगा, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 64/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 32, आंसर आ जाएगा आपका 32। क्लियर है भाइयों, समझ में आ रहा है? अब इतनी आसानी से निकाल पा रहे हो, और इसके अलावा कोई और इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इन चीज़ों को छोड़ जाते हैं, अभी तो बहुत बाकी है एवरेज, हमें चैप्टर को पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर रहना इस चीज़ से आप, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑड नंबर का पढ़ लेते हैं फटाफट से, कि अगर मैं बोलूं 1 से n लगातार वही उसी की तरह है, लगातार मतलब कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, 1 से n लगातार ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, n ही होता है, n लगातार ऑड नंबर का एवरेज n ही होता है। जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि 15 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज निकालो, क्या आंसर दोगे, जल्दी से आंसर दो, मैं बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों आता है ऐसा, प्रूफ करके बताऊंगा। 15 लगातार ऑड नंबर का, लगातार की बात की गई है, तक वाला भी केस लेने वाले हैं,
ठीक है, तो जल्दी से बताओ। इसका आंसर तो आप दे दोगे 2 सेकंड में, लेकिन आया कैसे ये मैं बताने वाला हूं आपको। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आ गया आपका 15। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो कैसे आया सर बताते हैं, लगातार है तो मैं कहता हूं 15 लगातार, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, ओ सॉरी 12 कहाँ से आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ठीक है, 27, देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। वैसे भी 15 ही आने वाले थे, 29 तक ही आते हैं ना, चलिएगा, है ना। तो अब देखो इसमें देखते हैं, लगातार पूछा है मैंने, लगातार है तो ये कह रहे हैं कितना है, 15 है ना, ये कितना है आपका, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में यहाँ पे चला, 7 में यहाँ पे चल दिया और 7 में यहाँ पे चल दिया, यहां से बराबर चला, यहां से भी बराबर चला, बचा कौन बीच में, 15 ही तो बचा मेरा, तो यही मेरा एवरेज होता है बीच वाला। और ये मैंने आपको प्रूव करके बताया है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर चेक करना है, और अगर चेक करना है कि क्या ये थ्योरम सही है, तो और चेक कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं लगातार चार का निकालो, लगातार चार कंसेक्यूटिव का निकालो दोस्तों, लगातार चार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज निकालो, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कि सर चार होगा, तुरंत आंसर दे दोगे कि सच में होगा क्या, चेक कर लेते हैं, 1, 3, 5, 7 यही तो होंगी चार लगातार, है ना, तो 7 और 5, 12 और 4, 16, तो 16 इसका सम हो गया और कितनी है, चार है, तो आपका आंसर चार ही तो आ रहा है। क्लियर है? आपका आंसर चार ही तो आ रहा है, मैंने सही तो कहा आपसे, अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि जो 2700 लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सिलेक्शन होगा, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ। अगर चाहिए नौकरी तो कंसिस्टेंसी से पढ़ो, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहो, और डेली 11 बजे क्लास होती है, अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलना, मज़ा तभी आता है मुझे भी जब मैं आपको बेहतर पढ़ा सकूंगा। क्लियर है? चीज़ें समझ में आई, डाउट नहीं रहना है दिमाग में कुछ भी, और बेहतर तरीके से चीज़ें समझते रहना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो हमारा क्या है, तक वाला, तक, ठीक है। तो मैं ये बोलूं 1 से 95 तक, तक आ गया मतलब टिल, ठीक है, ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? कुछ भी नहीं करना, इसमें भी वही करना है, इसमें तो भाई दोनों ऑड नंबर ही तो हैं, दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 96 / 2 48 आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? तो आपको कुछ नहीं करना, n+1 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, लगातार पूछे। और अगर मैं एक पूछ लूँ आपसे कि 3 से 15 तक ऑड नंबर का एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे जल्दी से बता दो, वही चीज करनी है। क्या करोगे? ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो 15 और 3, 18/2 आपका आंसर आ जाएगा 9 इसका, ठीक है, तो इसका 48 और उसका 9। क्लियर हो रहा है भाइयों? बताते रहें सब चीजें, है ना, चलिएगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, अब देखना आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, मजा आ जाने वाला है, सच बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन को दिखाया जाए, पहला क्वेश्चन दिखाया जाए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, चलो दिमाग लगाओ कि इसको कैसे करेंगे, और आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपने कभी एवरेज पढ़ा होगा, लिटरली बता रहा हूं, स्टार्ट ऐसे होनी चाहिए एवरेज चैप्टर की असली में, तो है ना। बाकी जो आदमी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो मैं कराऊंगा ही, वो तो चलते ही आ रहे हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है और हमें पता ही नहीं रहता, एवरेज हम पढ़ के भी आते हैं और हमें अच्छे से क्वेश्चन भी लगाए होते हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं होता क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 6 और 34 ये बोला गया है, 6 और 34 के बीच में
सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 5 से विभाजित हो, 5 से डिविजिबल। अब ये जो कंडीशन है ना 5 से डिविजिबल वाली, सर हमें नहीं पता कि कैसे आएगा, और जिनका आंसर आया है बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आपको तरीका, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं, पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन तो स्टार्ट तो वहीं से करना है हमें, बाकी तो आगे मैं आपको थ्योरम्स बताने वाला हूं। ठीक है, देखो क्या करना है, 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे भाई, हम ये निकाल सकते हैं कि सर 5 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, 5 हो, एक तो होगा हमारा, इसके बाद क्या होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और 30 होगा, यही होगा, यही तो 5 से डिविजिबल होंगे सारे, है ना। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ये तो आपने निकाल लिया, बहुत आसानी से कर लिया होगा, 5 से विभाजित वाले, इनको जोड़ लिया और आंसर दे दिया 5 का, ये सबने किया है ना। मैं अब तरीका बताता हूं कि आपको अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 34 में 5 का भाग दे दो, 34 में 5 का भाग दो, माइनस 6 में 5 का भाग दे दो, माइनस 6 में 5 का भाग दे दो। तो मैं ये कहता हूं कि जो भाग दोगे ना तो पहला भागफल होगा, मतलब जो पहली बार भाग जाएगा, जैसे मैंने 5 6 की 30 गया, आगे पॉइंट छोड़ दो, जो आया जो आपका पहली बार भाग गया वही लेना है आपको, पॉइंट के बाद नहीं लेना, बस आपको पूर्णांक लेना है, मतलब होल नंबर लेना है, माइनस 5 एकम 5 1, तो ये आपका हो जाएगा नंबर, कितने हो जाएंगे, 5 नंबर हो गए। अब इनका आप सम कर लो तो आपको पता है 25 और 15 40 और 30 70 70 और 30 100, तो 100/5 करोगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। यहां तक संतुष्ट हो आप सब, यहां तक क्लियर है ना, अच्छा लग रहा है ना, यहां तक समझ में आया, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको नंबर निकालना भाई, हम सम तो हमें दे भी देगा एग्जाम में, लेकिन हमें पता लगाने नंबर ऑफ संख्या कितनी होंगी। अब आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, लगे रहना, जुड़े रहना। अब देखो क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन समझना, ये तो एक ट्रायल था। हाँ, अब देखो, अब अगली चीज पे चलते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, 1 से 300 तक 19 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, हाउ मैनी नंबर, मतलब n निकालना है, कुल मिला के सारा खेल n का है, क्योंकि एवरेज में n पूछा जाता है, यही तो खेल है सारा। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में लगा देगा तो हम कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, ये क्वेश्चन हटा दिया जाए, हाँ देंगे, वही तो सुधीर सिंह जी वही बात कर रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से, है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, नंबर्स निकालना है, नंबर्स निकालना है आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, कितने नंबर हैं, क्योंकि खेल नंबर का है सारा, नंबर निकाल लोगे तो सम आपको दे देगा वो, सम आपको आसानी से दे देगा वो, क्लियर है। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 18, किसी का 16, किसी का कुछ, मैंने आपको बताया है आंसर, बिल्कुल आशीष कुमार गुप्ता का सही आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, जो है एक से स्टार्ट है ना, तो जो बड़ा नंबर है 300, उसको 19 से विभाजित कर दो बस, और 19 से विभाजित करने पर इसका क्या ले लो, पूर्णांक ले लो, इंटीजर ले लो, पूर्णांक मतलब होता है हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो 19 से ये कितनी बार जाएगा, 19 एकम 19, बचे आपके पास 11, 19 पड़े 95, ठीक है, तो आपका 15 आपका आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका, तो नंबर कितने हो जाएंगे। अब आप कह सकते हो किसी से भी कि भाई जो मर्जी आए वो पूछ ले, मैं 2 सेकंड में बता सकता हूं कि 1 से 300 तक 19 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, 15 है, सीधा डिवाइड करो। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट से, ऐसे ही एक क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट अलग है उसका। अगर मैं ये बोल दूं 1 से 600 तक 5 और 3 से विभाजित कितने नंबर है। अब पहले तो हमारा एक नंबर था, पहले तो मेरा एक नंबर था 19, तो मैंने एक सीधा सीधा डिवाइड कर दिया। 1 से 600 तक है, 5 और 3 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, तो कैसे पता लगाओगे, कैसे करोगे, 600 लोगे और इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, और जो एलसीएम होगा ना उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 40 नंबर होंगे, ठीक है, तो कितने नंबर होंगे दोस्तों, 40 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है अशोक कुमार, बिल्कुल सही आंसर है, अच्छा लग रहा है। 2800 लोग मैं चाहता हूं आज, अगर सच में पसंद आ रहा है ना तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुस्कुराते हुए पढ़ें, मैथ को अगर आसान बनाना है तो खेलते खेलते पढ़ जाओ,
समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लो जितना करना है, ठीक है, चलेगा। चलो उम्मीद है ये आ गया समझ में। अब चलो अगले क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप सब देंगे। अगर मैं बोलूँ एक से सात सौ तक फोर व थ्री से, चार व थ्री से, यहाँ पे देखो इसका भी मतलब है, वह मतलब और इंग्लिश में बोलूँ तो एंड, अगर या आ जाएगा ना तो अलग केस हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा। पहले वह है तो हमें एलसीएम लेना है डायरेक्ट, मतलब साथ में चल रहा है। तो इसका आंसर दो जल्दी से सब लोग, इसका आंसर जल्दी से दो, आ जाएगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूं। अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग डिवाइड करने से नहीं आएगा, क्योंकि साथ में निकालना है ना, अलग अलग का मतलब अलग अलग आएगा, साथ का मतलब साथ में होना चाहिए ना, और मतलब चार और तीन, चार से भी और तीन से भी, है ना, चलेगा। अब क्या हो जाएगा, 700/12, इसका आपको इंटीजर मान निकालना है, तो मैं कह दूं ये कितना हो जाएगा, 12×6=72, तो 12×5=60, है ना, और फिर आपका 10 इधर जाएगा, 12×8=96, तो आपका आंसर आ जाएगा 58, कितना आ जाएगा 58, बहुत बढ़िया, 58 इज द राइट आंसर, बहुत सही है। 56 क्यों आएगा दोस्तों, डिवाइड करना तो जान सकते हो, 58 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलता हूं, अगला कंसेप्ट देखना, अगर एक हट जाए, अगर चलो एक ले लेते हैं उसका, या वाला केस ले लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है एक से चार सौ तक तीन या सात से विभाजित, डिविजिबल टोटल नंबर कितने हैं। अब ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट हो जाता है इसमें, और कंसेप्ट क्या है मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। या आ गया ना, मतलब और है, या तो तीन से हो या सात से हो, और किसी से ना हो, दोनों से ना हो, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं एक से चार तक ऐसी संख्याएं निकालनी है, या तो वो तीन से हो या वो सात से हो, दोनों से ना हो, क्योंकि दोनों से होता तो वो वह वाला केस बन जाता। तरीका देखो, अब आपका काम वो वाला दिमाग करेगा कि यस सर 400/7 करूंगा तो 7 से विभाजित वाली निकल जाएंगी, और 400/3 करूंगा तो 3 से विभाजित वाली निकल जाएंगी, संख्याएं निकल जाएंगी ना अलग अलग, और हमें 7 वाला नहीं चाहिए तो दोनों का एलसीएम वाली संख्याओं को घटा दो, 7×3=21 इसका एलसीएम आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, अलग अलग निकाल दो, 7 वाला पोर्शन घटा दो, तो वो आ जाएंगे या तो 3 से होगी या 7 से होगी, क्लियर है। तो अब इसका आंसर दे दो आप। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका दिमाग लगाना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए बिल्कुल। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 133 जब डिवाइड करोगे तो, सॉरी इसका आ जाएगा 57, और यहां से आ जाएगा आपका 133, और 21 से जब डिवाइड करोगे तो 19, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 171। कितना आ जाएगा, 171। किसी का आया दोस्तों? जी बिल्कुल, इरफान खान का आ चुका है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही स्टार लगा दिया है, नया कंसेप्ट है या वाला, क्लियर हुआ तो बताएं सब लोग। जी हाँ, जल्दी से बताएं। हाँ, मज़ा तो आएगा ही और अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद करता हूँ 2800 लोग देख रहे हैं और 1800 हैं लाइक अभी। चलिए, जिनको अच्छा लगता है वो बिल्कुल करेंगे, लास्ट में करेंगे, करना है ही, ठीक है, चलेगा। 171 समझ में आया कैसे। अब एक और क्वेश्चन लूँ, है ना, फिर इस चीज़ को हम आगे भी प्रोसीड करने वाले हैं, कल भी मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एवरेज के, कि आदमी आता है जाता है, ये आपका बेसिक क्लियर हुआ है अभी, है ना। चलो, सबका आया आंसर, अच्छी बात है, है ना। अब मैं आपके सामने एक और ले लेता हूँ पोर्शन, अब एक चीज़ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर इसी को मैं कल आगे प्रोसीड करूँगा, तो कोई कहीं ना जाए, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तभी आप जुड़े रहोगे, है ना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपको आगे, है ना। अब मैं आगे ले लेता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है 568 से 1028 के बीच में 12 से डिविजिबल, किससे डिविजिबल, 12 से डिविजिबल कितने हैं। पहले तो एक से आ रहा था, अब इन दोनों के बीच में निकालना है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बड़ा ले लो पहले, 1028 पहले 12 से इसका निकाल लो कितने होंगे, और इसको माइनस कर दो, 568 / 12, मतलब इसका निकाल लो कितने होंगे, इसका निकाल लो इंटीजर,
इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो मैं यूं कहता हूं डिफरेंस ले लो ना डायरेक्ट, इसका ये घटा दो, डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो यहां पे आ जाएगा जीरो, ठीक है। और 102 में से आपके 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे जल्दी से बताओ, 56 112 होता है 46 460, ठीक है, बटे 12। जब इसका डिवाइड करोगे तो भी आपको इंटीजर निकालना है, तो इंटीजर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 12 36 बचे 10, 12 8 96, 38 आपका आंसर आ जाएगा, 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 38, ठीक है, सीधा सीधा निकाल सकते हो। जब इंटरवल आए तो आप डायरेक्ट घटाओ और एक एक इंडिविजुअल निकाल लो, क्लियर है, तो बताइए। अभी तो दो तीन चीजें रह रहे हैं, हाँ चलिएगा। गजेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया मेरे भाई गजेंद्र कुमार, तालियां बजनी चाहिए आप जैसे लोगों के लिए कि देश का नाम रोशन कर रहे हो आप, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है, आप कितनी भी गाली दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, क्लियर है, चलिएगा। तो अच्छा लगा तो मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो कल मैं लेने वाला हूं टेस्ट, कल मैं तो लूंगा टेस्ट, ठीक है, कल लेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, है ना, और सोमवार को पढ़ेंगे एवरेज का दूसरा भाग, सोमवार को हम पढ़ेंगे एवरेज का दूसरा भाग, और कल मैं लेने वाला हूं टेस्ट आपका। तो कोई घबराए नहीं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है हमारी, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे डेली क्लास होती है, डेली अटेंड करें, सारे काम छोड़ दो, पढ़ाई कर लो एक बार, सारे काम नहीं करने पड़ेंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, चलिएगा। तो उम्मीद है, हाँ उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, चलते हैं फिर मिलते हैं, अच्छा लगा है लाइक करके जाना, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज़।